सीडीओ संजय कुमार मीना ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चंपा देवी पार्क में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के लिए 750 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनकी पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत जो भी जोड़े पात्र पाए जाएंगे उनको 28 नवंबर को चंपा देवी पार्क में इन्वाइट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह में 6,000 रुपया नगद और 15,000 रुपये का सामान, जिसमें बिछिया सहित सारा सामान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन के निर्देश पर जेम पोर्टल के माध्यम से जो भी संस्था चिन्हित किए गए हैं उन्हीं के माध्यम से सभी जोड़ों को सामान दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीना ने कहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का जो आयोजन है वो 28 नवंबर को चंपा देवी पार्क में किया जाएगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी प्रतिभाग किया जाएगा। उनके कर कमलों से और उनके निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। इसमें हम लोगों का टारगेट है करीब 700 से 800 वैवाहिक जोड़ों का जो विवाह है उस सीएम सर के निर्देशन में संपन्न कराया जाए। सर अभी कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? इसमें अभी लगभग 750 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, जिनकी पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है। पात्रता के परीक्षण के उपरांत जो जोड़े इसमें पात्र पाए जाएंगे उनको 28 नवंबर को वहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। सर इसमें क्या क्या दिया जाएगा, क्या है इसमें? इसमें जो टोटल जो अमाउंट है उसमें से 6,000 रुपये पर कपल आयोजन के लिए खर्च किया जाता है, बाकी करीब 15,000 का जो सामान दिया जाता है, जिसमें बिछिया है, उनका एक संदूक दिया जाता है जिसमें वो सारा सामान अपना रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो शासनादेश के तहत व्यवस्था है उसमें जो जो सामान्य अनुमन्य है वो सब हम लोग जेम पोर्टल से जो भी संस्था चयनित की हो चुकी है उसी के माध्यम से परचेज करके सभी जोड़ों को दिलाया जाएगा।